हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रशांत। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और यह वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव प्लस एक स्कैम वीडियो के ऊपर है। तो एक्चुअली मैं मीशो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर दिया था, जो कि आप लोगों को पता ही है, बहुत ही बड़े कंपनी बन चुका है आज के दिनों में। लोगों के घर के सामान ईजिली मिल जाता है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग इस एप्लीकेशन को प्रेफर करते हैं। तो एक्चुअली मैं नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से लेता हूँ, तो मैं बहुत दिनों से देखा कि मीशो में अच्छे अच्छे चीज़ें कम दाम में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने मीशो इंस्टॉल किया और मीशो से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ऑर्डर दिया था, तो ये मेरे पास आ चुका है। अभी मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड से ही शूट कर रहा हूँ, मतलब इसको मोबाइल माउंट करके शूट कर रहा हूँ। तो ये ट्राइपॉड मतलब बोल सकते हो कि ठीक ठाक है, पर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम घटिया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मैंने परचेस किया था मीशो से, पर ये बैकग्राउंड जब मैंने परचेस किया था तब मैंने प्रीपेड किया था, मतलब पहले ही पेमेंट कर दिया था, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जल्दी आ जाए इसलिए मैंने किया था। ठीक है, वो किया था करीब 19 तारीख को, पिछले मंथ की 19 तारीख को, और ये मुझे रिसीव हुआ था इसी मंथ में 1 तारीख और 29 तारीख, पिछले मंथ के 29 तारीख शायद। ठीक है, तो रिसीव हुआ था, पर मेरे पास जो पैकेज आया था, जो मैंने प्रीपेड किया था, उस पैकेज जो आया था वो देखिए ये ऐसा ऐसा टूटा हुआ आया था। ठीक है, यही पैकेज है, आप लोग देख सकते हो, ये पैकेज मुझे टूटा हुआ मिला, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको रिटर्न कर पाओ या फिर ना रिसीव करो। रिसीव ना करके भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको प्रीपेड कर दिया था। तो अगर मैं नहीं करता तो मेरे पास, मतलब मेरा तो दो ऑर्डर दिया था, पहले ही बोला था कि दो था, एक था ब्लू कलर का, एक था ये वाला। ठीक है, दो था बैकग्राउंड, तो जो ब्लू वाला है वो इसमें मिसिंग था। तो मैं इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये मिसिंग कंप्लेंट डायल किया, तो मिसिंग कंप्लेंट डायल करने के बाद मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ऐसा देखो, मैं इसको ऑर्डर किया था बहुत दिन पहले, मैं वीडियो बनाने के लिए ऑर्डर किया था, पर हमेशा ये डिले होता है। पहले बार तो ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, पेमेंट पहले कर दिया था, फिर से ऑर्डर किया पर वो आ रहा है बहुत लेट आया, पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है। तो आप लोग सोचो, अगर एक्चुअली जब भी मिसिंग होता है ना, तो पहले बंदे के पास अगर मिसिंग होता है तो हाथ के बंदे को देते हैं, कुरियर बॉय जो होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ें। तो तब अगर उन लोगों को पता चल रहा है कि ये चीज़ मिसिंग है, तो क्यों वो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही शेयर कर रहा है कि आप ले जाओ, ये ले जाओ ले जाओ। अगर देख रहे हो कि ये टूटा हुआ है, ये प्रोडक्ट मतलब जो पैकेजिंग है वो अनसील्ड है, तो आप लोग ये क्यों डिलीवर करते हो? आप लोग डायरेक्टली जो कंपनी है उसके पास, मतलब जो भी कुरियर बॉय है तो होता है, उनके पास एक ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होता है और आईडी होता है, उससे वो चीज़ें कैंसिल कर सकता है। तो आप लोग कैंसिल कर देते तो बहुत अच्छा होता ना, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ जाता। या फिर किसने ये धोखाबाजी किया, कौन सी कुरियर बॉय ने ये धोखाबाजी किया, मुझे तो पता नहीं है। ठीक है ना, तो इसके वजह से तो मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरा चीज़ें डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाने के लिए ये लिया था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैं चीज़ें ला रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, पर बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच। मैंने ये जो परचेस किया था, आप लोग बताओ ये जो मेरे साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और साथ ही साथ ये जो कलर है बैकग्राउंड का, ये कलर आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर मुझे एक कमेंट करके बताना कि ये चीज़ें अच्छा है कि या फिर बुरा, अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। और एक लाइक बनता है मेरे इस वीडियो पे, ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और ये वीडियो को आप लोग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चल सके कि मीशो में कभी ना कभी ऐसा होता रहता है। क्योंकि मैंने ये प्रीपेड किया था, तो ये देखा कुरियर वालों ने कि ये प्रीपेड है, इसमें लिखा होता है। मीशो का एक गलती है कि वो लोग प्रोडक्ट में ही लिख के देते हैं कि ये प्रीपेड है, ये गलती है, सच में ये गलती है। वो लोग अगर प्रीपेड लिखा है तो ये सही नहीं है। एक्चुअली वो लोग कर सकते हैं, जो भी मतलब कुरियर सर्विस है वो लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कोड नंबर है वो अगर डाले, ठीक है, डालने के बाद हमारे पास ओटीपी आए, ठीक है, ओटीपी आने के बाद हम लोग जब ओटीपी बताएंगे
तब उसमें दिखाया गया कि ये प्रीपेड है या फिर पेड है। ऐसा होता तो ठीक होता, तो मतलब ये जो धोखेबाजी है, ये जो अनसील करके जो पैकेज ये पैकेज खराब करके यहाँ से जो निकल रहा है, तो वो नहीं होता, ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं होता। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें मीशो के पास जाना चाहिए, तक इसलिए मेरा ये वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करो सभी। थैंक यू सो मच, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।